आरएसएस मानहानि केस में राहुल गांधी को मिली जमानत। संघ कार्यकर्ता ने किया था राहुल पर मानहानि का केस। गौरी लंकेश हत्या को जोड़ा था आरएसएस बीजेपी विचारधारा से। कोर्ट में पेश होकर राहुल ने बताया खुद को बेकसूर। आरएसएस से जुड़े एक मानहानि केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मुंबई की एक अदालत ने अग्रिम जमानत दे दी। उनके खिलाफ संघ के कार्यकर्ता ने मानहानि का केस दर्ज कराया था। राहुल गांधी ने पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या को संघ और भाजपा की विचारधारा से जोड़ा था। राहुल गांधी ने मुंबई की अदालत में पेश होकर खुद को बेकसूर बताया। अदालत ने उन्हें 15,000 रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी है। इस मामले में जब सुनवाई शुरू हुई तो राहुल गांधी ने अपने आप को बेकसूर बताया, जिस पर कोर्ट ने उन्हें 15,000 रुपए की जमानत पर रिहा कर दिया। उनके लिए पूर्व सांसद एकनाथ गायकवाड़ ने जमानत दी। शिकायतकर्ता ध्रुतिमन जोशी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेता सीताराम येचुरी पर भी ऐसे मामले दायर किए थे जिन्हें खारिज कर दिया गया था। जोशी ने अपनी याचिका में कहा था कि लंकेश की हत्या के मुश्किल से 24 घंटों के बाद ही राहुल गांधी ने हत्या के लिए आरएसएस और उसकी विचारधारा को जिम्मेदार ठहरा दिया था। महाराष्ट्र में राहुल गांधी के खिलाफ किसी आरएसएस कार्यकर्ता द्वारा दायर की गई ये दूसरी याचिका है। इससे पहले साल 2014 में एक स्थानीय कार्यकर्ता राजेश कुंते ने महात्मा गांधी की हत्या के लिए कथित रूप से आरएसएस पर आरोप लगाने के लिए राहुल के खिलाफ याचिका दायर की थी। ये मामला ठाणे की भिवंडी अदालत में लंबित है। मानहानि केस की सुनवाई के लिए जब राहुल गांधी कोर्ट पहुंचे तब कांग्रेस नेता कृपा शंकर सिंह, बाबा सिद्दीकी, मिलिंद देवड़ा और संजय निरुपम कोर्ट में मौजूद थे।